नमस्कार दोस्तों, मैं बलकित मोहन सिंगला, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम इस विषय में बात करेंगे कि गर्भवती औरतों को नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों नकारात्मक ऊर्जा या कोई भी पारलौकिक शक्ति किसी को भी अपने चपेटे में ले सकती है। अगर आपसे कोई भी गलतियाँ होती हैं या फिर कहीं ना कहीं आप ऐसे स्थानों पर जाते हो जहाँ पर इन शक्तियों का वास होता है, या इनको बुलाने का प्रयास करते हो, या कोई बेअदबी करते हो। जहाँ बात आती है गर्भवती औरतों की, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जितनी भी गर्भवती औरतें हैं उनको इस बात को समझना होगा कि जब तक उनका बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक एक एक दिन उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत सावधानियाँ उन्हें रखनी होती है। जिस तरीके से मेडिकली आप सावधानियाँ बरतते हो, कोई भारी सामान नहीं उठाते, आराम करते हो, अच्छा फलाहार करते हो, खुश रहने का प्रयास करते हो, इसी तरीके से आध्यात्मिक रूप में अपने आप को मजबूत करें। ऐसे वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम सुने, उनके भजन सुने, कीर्तन सुने, ईश्वर का ध्यान करें, और जितना हो सकता है आप स्पिरिचुअल रहेंगी इस टाइम में, आपको फ़ायदा देगा, आपकी आने वाली संतान को फ़ायदा देगा, और कहीं ना कहीं आपके अंदर वो ऊर्जा का स्रोत बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी जो आपको हिम्मत देगी। रही बात पारलौकिक शक्तियों की, नकारात्मक ऊर्जाओं की, तो गर्भवती औरतों को ये सावधानियाँ बरतनी चाहिए जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़ ये है कि किसी के भी मरने में ना जाएं। हालांकि अगर कोई फैमिली में ही मर गया हो, आपके जिस घर में आप रहते हो उसी में किसी की मृत्यु हो गई हो, तब तो बात अलग है। उसमें भी आप ज़्यादा क्लोज मत जाइए डेड बॉडी के या किसी भी उस परिजन के। कोई पड़ोस में मरा है, जानकारी में मरा है, यारी दोस्ती में कोई मरा है, ऐसे में अपनी संवेदनाएं, अपना प्यार, अपनी जो भी इमोशंस हैं इसको दिल से आप दिखाएं बाद में, पर इस टाइम में अपने बच्चे का और अपना ध्यान रखते हुए आप अपने घर में ही रहें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी जगहों पे जहाँ किसी की डेथ हो जाती है वहाँ पे उस इंसान की आत्मा का रहना भी मुमकिन है, और उसके अलावा भी कोई पारलौकिक शक्तियों का या उस घर के पितरों का होना भी मुमकिन हो सकता है। ऐसे में अगर कोई बुरा असर आपके बच्चे पे पड़ता है तब आपको कहीं ना कहीं जीवन में आगे इस चीज़ के परिणाम फिर देखने पड़ेंगे। तो ऐसे में किसी की मौत में जाने का बिल्कुल भी जो है एक आइडिया जो है ये गलत साबित हो सकता है आपके लिए। दूसरी चीज़, रात के टाइम में सफ़र ना करें। खासकर रात को कई औरतें सोचती हैं, लोग सोचते हैं कि वो रात को लेट नाइट वॉकिंग पे जाते हैं खाना खाने के बाद। आपको वॉक करनी है आप अपने घर के कोई वरांडे में कर लीजिए, बालकनी में कर लीजिए, पर अवॉइड कीजिए घर के बाहर आधी रात को, देर रात को, लंबे सैर सपाटे को। हालांकि बहुत कम ही लोग होंगे जो ऐसा करते होंगे, पर अगर करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है। इंसान को ध्यान नहीं रहता, आपने कोई ज़्यादा खुशबू लगा रखी हो, कोई गलत जगह पैर पड़ जाए, दुनिया जान के लोग अपने टोटने टोटकों के उतारे करते हैं, किसी के उतारे पे पैर पड़ जाए तब कोई चीज़ आ जाए पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा कोई भी इंसान आपका दुश्मन है, कोई भी है जिससे आपकी पहले लड़ाई हुई थी अब सुलह हो गई है, तो भी उसका दिया हुआ प्रसाद, मिठाई, कोई भी चीज़ ग्रहण ना करें, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं। कौन आपकी प्रेगनेंसी से जल रहा हो, कौन इस बात से जल रहा हो कि आपका वंश आगे बढ़ जाएगा और आपके जीवन में खुशियां जो आने वाली हैं उस वजह से जल रहा हो। बाहरी तौर पे अपने आप को अच्छा दिखाए पर अंदरूनी तौर पे आपके खिलाफ हो, कोई ऐसी चीज़ दे दे आपको जिससे बच्चा मर गया या बच्चा ख़राब हो गया या बच्चा मानसिक रूप से विकार उसमें हो गया, कुछ नहीं भरोसा। आज लोग बहुत गंदे हैं, तो अगर किसी से पहले झगड़ा हुआ था अब वो ठीक है आपके साथ संबंध उसके, तो भी उसका दिया हुआ कुछ भी मीठा वगैरह कोई भी खाने की चीज़ ना लें, कोई भी पहनने की, कोई भी अगर वो उल्टा सीधा ताबीज आपको बांध रहा है तो वो ना बंधवाएं, खासकर जब आपको उसके विषय में कुछ पता ना हो। कई दफ़ा ऐसे उल्टे सीधे ताबीज ऐसे वो बांधने से बच्चा तक गिर जाता है, गलत चीज़ बांधने से तक वो हो जाता है। तो जिस चीज़ के बारे में आपको इल्म ना हो और सामने वाले का नहीं पता हो या उसकी नीयत पे डाउट हो कि ये इंसान आपका बुरा कर सकता है, तो ऐसे में अवॉइड कीजिए।
उसके अलावा अगर आपके घर में ऐसे दुश्मन आते रहते हैं जो कुछ ना कुछ डालते रहते हैं और वो आपके घर में आपका बेडरूम तक आ जाते हैं आपका बाथरूम यूज़ करने के बहाने या घर में वैसे ही घूमते हैं, तो अपने बेड वगैरह को अच्छे से देख लें, गद्दा वद्दा हटा के, तकिया हटा के, कोई चीज़ ना डाली हुई हो। मैंने कई ऐसे केसेस करे हैं जहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी थी, घर में आए बाथरूम वॉशरूम यूज़ करने के लिए, बेडरूम के वॉशरूम में चले गए, उसके बाद बेड के गद्दे के नीचे ही कुछ डाल दिया जिससे बच्चा गिर गया। तो बहुत लोग हैं इस तरीके की गंदी क्रियाएं करने वाले। तो हमेशा ऐसे लोगों को जिन पर डाउट रहता है इन्हें अपने ड्राइंग रूम तक ही सीमित रखें, इन्हें पूरे घर में घूमने ना दें और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि लोगों को अकेला ना छोड़ें। आप अकेला छोड़ोगे या कोई भी चीज़ आपके यहाँ डाल देंगे, खासकर अगर इनकी ऐसी नीयत या प्रवृत्ति रही है या आपको डाउट है कि ये ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। इसके अलावा इस टाइम में नॉनवेज, अंडा, मछली, शराब इनका सेवन बिल्कुल भी ना करें। आप मीट मांस खाती हैं तो भी इस टाइम में सात्विक रहें, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा सात्विक रहना और अच्छी फलाहार करना, अच्छा भोजन करना। मीट मांस वगैरह अवॉइड अगर आप कर सकते हैं तो ये बहुत बढ़िया। अगेन ये आपकी पर्सनल चॉइस है, मेरा काम है सिर्फ आपको एक राय देना, मैं कोई भी चीज़ आपको ये नहीं कह रहा कि आपको ये करना ही है। अगेन एट द एंड ऑफ द डे आपकी ज़िंदगी है, आपके फैसले हैं। इसके अलावा एक बात का और ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी के वक्त उल्टे सीधे मेडिटेशन, साधना, इन सब चीज़ों में ना पड़े। बहुत औरतें होती हैं जो मेडिटेशन करती हैं और प्रेगनेंसी में भी इसे कंटिन्यूएशन में रखती हैं, उल्टी सीधी साधनाएं करने लगती हैं कि, और जो इन चीज़ों से नकारात्मक ऊर्जाएं भी अट्रैक्ट होती हैं। अगर आपके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई भी चीज़ आपने सिद्ध नहीं कर रखी, कोई शक्ति नहीं है आपको बचाने वाली, तो मेडिटेशन के वक्त बॉडी इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि इस तरीके की ऊर्जाएं अगर आसपास हैं तो वो कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करने का प्रयास करती हैं। तो ऐसे में अगर आपकी आत्मा कमज़ोर है कि वो डिफेंड अपने आप को नहीं कर सकती तो ये एक प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो सकता है। बहुत लोग गलत मेडिटेशन करने के चक्कर में पागल तक हो जाते हैं, माइंड ही ख़त्म हो जाता है, यही समझ नहीं आता वो क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सब चीज़ें दिखने में जितनी सिंपल लगती हैं उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं अगर आप बिना किसी सही तालीम और प्रोसीजर के करें। तो गर्भवती आप हैं तो मेडिटेशन प्लीज़ अवॉइड कीजिए, हर तरीके की साधना वगैरह अवॉइड कीजिए। इसके अलावा तांत्रिकों और जो है सेवड़ों के पास ना जाएं ऐसे समय में। जितना ज़्यादा आप इन लोगों को के सामने जाओगे, अपने आप को एक्सपोज करोगे, उतना ज़्यादा आपके बच्चे के लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, आपके लिए हो सकता है, कोई भी त्रुटि हो सकती है, कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आकर्षित होकर आ सकती है। इसके अलावा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसे घर में ना जाएं जहाँ पे इस तरीके की पारलौकिक शक्तियों का वास है या आपको लगता है कि उस घर में इस तरीके की भूता गतिविधियाँ होती हैं। हो सकता है आपके कोई पड़ोसन हो, कोई दोस्त हो, कोई और रिश्तेदार हो, उसने बताया हो कि हमारे घर में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं और आप गर्भवती हैं, उनसे मिलने जा रही हैं। तो जब इस बात का स्मरण करें कि उन्होंने आपको ऐसा बताया था, तो ऐसे वक्त में उनके यहाँ ना जाएं। हो सकता है उनके वहाँ कोई जो ऊर्जा बैठी है जो उन्हें सता रही है वो आपके साथ आ जाए या आपको सताने लग जाए या आपके बच्चे के लिए संकट बढ़ जाए। तो क्योंकि ये जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं ये इंसानों के खिलाफ कार्य करती हैं, आगे आने वाली संतानों को रोकने का प्रयास करती हैं, क्योंकि इनके हर कार्य ईश्वर के अगेंस्ट होते हैं। तो हमें उस चीज़ का निमित्त नहीं बनना, हमें उस चीज़ का यूँ कह लीजिए ज़बरदस्ती अपने आप को आ बैल मुझे मार वाली स्थिति नहीं करनी। इसके अलावा एक चीज़ का ध्यान और रखें, ऐसे घर में ना जाएं जहां कलेश होता है, झगड़ा होता है। सपोज़ आपकी अगेन किसी पड़ोसन के होता है, जानकार के होता है, दोस्त के होता है, रिश्तेदार के होता है, आप वहाँ मिलने जा रहे हैं, आपको पता है वहाँ पे कोई ना कोई फैमिली मेम्बर बहुत क्रूर है, गुस्सैल है, चाहे घर का मेल मेम्बर है, चाहे फीमेल है, चाहे बच्चे आपस में झगड़ते हैं, चाहे वहाँ रोज़ कलेश रहता है। उनका कलेश सुलझाने के लिए, उनको शांत करने के लिए गर्भवती सिचुएशन में आप गर्भवती हैं और वहाँ जाके उनका झगड़ा निपटवाने जा रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। हो सकता है झगड़े में आपको कोई नुकसान हो जाए। और उसके अलावा जहाँ भी जिस भी घर में झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का वास होता ही होता है, वहाँ पे पितर रुष्ट कहीं ना कहीं होते ही होते हैं और इसी वजह से वो लोग आपस में लड़ मर रहे होते हैं जानवरों की तरह। ऐसे घरों में उन लोगों की अपनी ऊर्जाएं भी बहुत नेगेटिव होती हैं। आप वहाँ पे होके आओगे आपकी तबीयत ख़राब होने लगेगी, आपको भारीपन होने लगेगा, आपको डिस्कम्फर्ट होने लगेगा। तो ऐसी जगहों पे ना जाएं, अवॉइड करें।
हमेशा शांति वाली जगह पर रहें, अपने घर में रहें जहाँ पर शांति हो। अगर घर में ही कलेश बहुत ज़्यादा होता है और आप गर्भवती हैं, झगड़ा होता है, तो इस बात को समझाने का प्रयास करें फैमिली मेम्बर्स को कि इस बच्चे के लिए कम से कम जब तक बच्चा पैदा नहीं होता वो झगड़े फसाद लड़ाई को ना करें। क्योंकि जितना ज़्यादा आप झगड़ा करोगे, लड़ाई करोगे, गाली गलौज करोगे, बहुत लोग हैं जो अपनी पत्नियों को मारते भी हैं, वो प्रेग्नेंट है तो भी मारते हैं, तो इस तरीके के पापी लोग ये नहीं समझते कि इसका असर आने वाली संतान पे ही पड़ेगा। प्रेगनेंसी में जो भी टॉर्चर, जो भी चीज़ें औरत सह रही है, वैसा ही बच्चा भी सह रहा है। यहाँ तक कि बच्चे पागल तक पैदा हो जाते हैं टॉर्चर जो प्रेगनेंसी में माएँ झेलती हैं। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी तरीके का गुस्सैल झगड़ा वाला माहौल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक बात का और ध्यान रखें कि कोई भी उल्टी सीधी तांत्रिक पूजाएं अपने यहाँ ना कराएं और ना किसी की ऐसी पूजाओं में जाएं। और अगर कोई अपने यहाँ कोई यज्ञ पूजा पाठ करवा रहा है, किसी ग्रह की शांति का करा रहा है, कोई पितरों की शांति का करा रहा है, कोई वैसे तंत्र मंत्र की करा रहा है, या घर में भूत गतिविधि को शांत करने के लिए कोई पूजा पाठ यज्ञ करा रहा है, तो उसमें भी आपको पार्ट नहीं लेना। जब आपको उनके घर से कोई लेना देना नहीं, आपको उनकी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं, तो ज़बरदस्ती वहाँ पे जाके उसको अटेंड, ऐसी सेरेमनी को ना कीजिए। क्योंकि अक्सर ऐसी सेरेमनीज़ में जो ऊर्जाएं होती हैं वो विचलित हो जाती हैं, आक्रामक हो जाती हैं, गुस्सैल हो जाती हैं, आक्रमण तक करने लगती हैं, इधर उधर भागने लगती हैं, पनाह ढूंढने लगती हैं कमज़ोर शरीर में। अक्सर औरत का शरीर कमज़ोर होता है गर्भवती सिचुएशन में, तो खासकर ऐसे में आपको अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट आता है तो बेफिजूल में यूं कह लीजिए जाना ही बहुत महंगा पड़ जाएगा। बेस्ट है सार यही पूरी उसका कि आप घर पे ही रहें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप आराम करें, अच्छी चीज़ें सुने, भगवान का भजन सुने, सात्विक भोजन करें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें, किसी भी तरीके की गलत जगहों पे ना जाएं, शमशान में, किसी के मरने में, किसी के यहाँ दुर्घटना में। जितना ज़्यादा आप अपने आप को बचा के रखेंगी उतना आपके और आपके बच्चे के लिए ये पॉजिटिव रहेगा, बेटर रहेगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और जिनका भी सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट ले सकती हैं, घर में धुनी भी करवा सकती हैं, जिससे हमेशा माहौल सात्विक रहेगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पर संपर्क करना होगा। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त प्रकृत मोहन सिंगला।